Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani hamare saath hain. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. Sister, last time aap jo bol rahe the mujhe, puja ke baare mein aur dua ke baare mein, and bringing God's strength through His remembrance, to usse jo apne blessings plus unki ek power shakti milti hai, wo shakti ko leke agar hum karm karte hain, yani ki dharm ko attach karke apne karm mein karte hain, to hamara karm bhi kafi divine honge aur sahi tarike ke honge. Lekin puja mein thoda sa na, main thoda sa subject se thoda sa hatna chahunga. Puja mein mera ek problem kya na, mera fear based puja hai. Either fear based ya ek kaam based. ये फलानी चीज के लिए ये पूजा करो, फलाना हुआ तो ये पूजा करो, अगर घर के लिए वास्तु पूजा अलग है ये पूजा, दुनिया की मतलब कभी मेरी भगवान से कनेक्शन वाली पूजा नहीं होती है. मेरा इंटेंशन, जो आपने लास्ट टाइम एक बहुत शब्द अच्छा यूज किया था, योर इंटेंशन मैटर्स, एंड दैट इंटेंशन आई एम फाइंडिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. भाई मेरा इंटेंशन कहाँ जाता है, अरे यार फूल कम पड़ गया, मैं ड्राइवर को भेजूं लाने, तो इतना चल छत पे फूल थोड़े लगे मंगवा लेते हैं, नहीं तो ये देवी नाराज, चल दो दो टुकड़े कर लेते हैं, आधा गुलाब का फूल यहाँ डाल देते हैं, वहाँ थोड़े चल पत्ते निकाल देते हैं ना, फिर ये देवी अजीब थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट है, तो इंस्टेड ऑफ क्लैरिटी और कन्फ्यूजन आता है. सेकेंड पॉइंट वॉज अगेन ऑफ द इंटेंशन. अब मेरी इंटेंशन ये है कि मैं पूजा करूँगा तो मेरे घर में किसी ने से ब्लैक मैजिक की हुई है ना, वो अब निकल जाएगी. बच्चों को से नजर लगाई हुई है ना, तो जो सक्सेस रुकी है वो सक्सेस आ जाएगी. तो यहाँ भगवान ने से ज्यादा इम्पोर्टेंस सक्सेस पे जाती है मेरी, या वो नजर पे जाती है, या फिर देवी देवता की फेयर वाली नाराज की. ये तीन पॉइंट मेरे बड़े. आज जब हम कर्म करते हैं, मतलब अपना काम जो करते हैं ऑफिस का या घर का, तो हमारी प्रायोरिटी थी बाहर के काम में एक्यूरेसी और परफेक्शन. स्थिति में परफेक्शन ये हम बहुत समय से भूल चुके हैं, या किसी ने हमें याद नहीं दिलाया कि कुछ भी करते हुए कहाँ परफेक्शन चाहिए. हमने कहा काम परफेक्ट होना चाहिए, घर परफेक्ट होना चाहिए, ऑफिस परफेक्ट होना चाहिए, एवरीथिंग आउटसाइड वी वांटेड इट टू बी परफेक्ट. परमात्मा ने आकर सिखाया मन की स्थिति परफेक्ट होनी चाहिए, वो हम बहुत समय से भूल चुके थे. जैसे काम में हम परफेक्शन बाहर देख रहे थे, वैसे पूजा में भी हम परफेक्शन कहाँ देख रहे थे. फूल एक्यूरेट होने चाहिए, घी होना चाहिए, दिया ऐसे होना चाहिए, रिचुअल्स में ज्यादा परफेक्शन. हाँ, मतलब जो बाहर की विधि है उसमें परफेक्शन. नॉर्थ की तरफ इसका मुंह होना चाहिए, साउथ का इधर होना चाहिए, दिया जो सब चीजें होना चाहिए, इधर तेल का होना चाहिए, जो सब चीजें सही है, उनके हर एक चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, तो वो सब चीज़ें सही है. लेकिन कई बार उन सब की एक्यूरेसी में इधर स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है. और उस ध्यान भी इधर ज्यादा और उधर कम. उधर कम, क्योंकि हमने सोचा पूजा कहाँ हो रही है, हमने कहा पूजा यहाँ हो रही है, पूजा में क्या हो रहा है, फूल चाहिए, घी चाहिए, सामग्री चाहिए, मंत्र चाहिए, पंडित जी चाहिए, ये पूजा है. लेकिन एक्चुअली पूजा कहाँ हो रही है, दिल में, यहाँ हो रही है, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए पूजा हो रही है. अब जब हमारा कंसंट्रेशन बाहर की विधि में था और फिर किसी ने हमें कहा ये ठीक नहीं होगा ना, तो पूजा सफल नहीं, ये ठीक नहीं होगा ना, तो पूजा फिर ठीक से नहीं हुई. अब पूजा हो रही है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, सपोज आपने कहा प्रोफेशन में सफलता के लिए, या एक नया प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, एक नई दुकान खोली, उसकी सक्सेस के लिए पूजा. अभी देखो कैसे कोई विघ्न ना आए, अब उसमें विघ्न ना आए, अब उस प्रोजेक्ट में सक्सेस के लिए ये पूजा, तो ये पूजा भी कैसे होनी चाहिए, एक्यूरेट. अगर इस पूजा की एक्यूरेसी में कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें क्या लगेगा, हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, विच एक्चुअली Not possible. It's not true. पूजा किस लिए हो रही थी, आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए. विधि हम बाहर कर रहे थे, पावर यहाँ बढ़ानी थी.
अगर विधि में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है, लेकिन यहाँ पावर बढ़ रही है क्योंकि इंटेंशन वो है, तो सफलता जो मिलनी है वो तो मिलनी है. लेकिन फियर बेस्ड क्यों हो गया पूजा? क्योंकि अगेन जब जेनरेशन टू जेनरेशन पास ऑन हुआ, तो आप ऐसे नहीं करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलयुग में आते आते ये सब चीज़ें कुछ एक लोगों की मोनोपोली हो गई है कि कुछ लोग इसको कर सकते हैं ठीक से. तो एक्चुअली आज हमें जब पूजा करनी है तो वो पूजा भी हम खुद नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली हमें खुद को करनी चाहिए वो मैंने पूजा. ये पॉइंट पूछा था एक ब्राह्मण से, उसने बोला था कि आपके किसी फोर फादर या ग्रैंडफादर ने सांप को मारा होगा, तो तब से चला रहा है सर्प दोष आपके ऊपर. तो मैंने बोला ठीक है, तो दोष नहीं, इसके फिर एक स्पेशल पंडित होते हैं, स्पेशल जगह होती है, इसकी स्पेशल पूजा होती है, और इसके लोग इसके अंदर माहिर होते हैं, और उस परिवार से उनके उनके बाप दादा परदादा से उनका काम ही यही है, तो आपको वहाँ लेके चलते हैं. तो जैसे आई स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, कान का, ईयर नोज एंड थ्रोट, तो Which is true. उसके अंदर फिर फर्दर मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ माफी मांग के जो भी है उसे. तो बोले फिर अगर प्रोनंसिएशन में आप अगर मंत्र रॉन्ग पढ़ लें तो उल्टा नुकसान हो जाएगा. ये लाइन को लीजिए, उल्टा नुकसान कैसे होगा? ये फियर कितना बड़ा है कि अगर आपने शब्द थोड़ा सा गलत उच्चारण किया तो उल्टा नुकसान हो जाएगा. कैसे उल्टा नुकसान हो जाएगा? वी नीड टू स्टॉप एंड थिंक. नो, मैंने ये कहा उसको, अगर मेरा बेटा और मेरा ग्रैंड चाइल्ड मुझे तोतली भाषा में मम्म 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 मैं समझ जाता हूँ वो पानी मांग रहा है, right. तो मैं उसको वो कुछ उल्टा तो नहीं करता हूँ? अगर तू क्योंकि तू उल्टा बोल रहा है, व्हाई इंटेंशन मैटर्स. तो बोले ऐसा नहीं होता है, मंत्र को उसकी ट्यून, उसकी साउंड, उसका प्रोनंसिएशन, उसका एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर एम्फोसिस, ये सब काउंट करता है. आप नहीं समझ सकते बोले. ये सब काउंट करता है, इट्स राइट. अब जैसे अगर हम सिर्फ सिंपल शब्द ओम बोलते हैं, अब ओम शब्द की एक एनर्जी है, उसमें ओ कैसे बोलना है, म कैसे बोलना है, उसको कैसे उच्चारण करना है, अगर उसको उस तरह से विधि से उच्चारण करेंगे तो वो वाली एनर्जी क्रिएट होगी. अगर हम थोड़ा सा उधर से डाइल्यूट हो गए तो वो जो साउंड की, जो सिलेबल की एनर्जी है, वो शायद थोड़ी सी उतनी एक्यूरेट नहीं होगी. लेकिन उस समय जो हम यहाँ परमात्मा को याद कर रहे हैं, उसमें तो कोई डाइल्यूशन नहीं हो सकता. नॉट पॉसिबल, है ना? उसमें तो नहीं हो सकता है. अगर हम सब कुछ बाहर की एक्यूरेसी पे ही फोकस कर रहे थे तो फिर हम यहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहे थे. बाहर जो पूजा है उसमें भी कुछ विधि है, विधि भी सब अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, लेकिन बाई चांस उसमें कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो उसका रिजल्ट उल्टा हो जाएगा. ये कितना बड़ा फियर किसी आत्मा में डल जाता है. अगर मेरे अंदर ये फियर आ जाए कि अगर इसमें कुछ उल्टा हो गया तो जिस चीज़ के लिए मैं पूजा कर रही हो उस चीज़ में विघ्न आएगा, तो उस पूजा करते समय एक्चुअली मुझे कितना स्ट्रेस क्रिएट होने वाला है. कितना स्ट्रेस क्रिएट होगा, क्योंकि मुझे सक्सेस चाहिए, सक्सेस के लिए यहाँ एक्यूरेसी चाहिए पूजा में. इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने पंडित बुला रहा हूँ, राइट, ये पूजा कर रहा हूँ, तो फिर गड़बड़ होगी तो ऑपोजिट ऑफ सक्सेस हो जाएगा. अब तो मेरा पूरा ध्यान किस में लगा रहेगा? एक्यूरेसी में. एक्यूरेसी में वहाँ ध्यान लगेगा कैसे? वहाँ ध्यान लगेगा कैसे? हमारा ध्यान तो इतना एक्यूरेसी में लगा रहेगा, उसका स्ट्रेस होगा कि ठीक हो जाए, बस आज पूरा ये एक घंटा एक्यूरेट हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए. आपको लगता है वहाँ ऊपर ध्यान लगेगा? वहाँ नहीं है. पूजा पूरी हो गई, एक घंटा जो करना था, विधि पूरी एक्यूरेट हो गई. आज ऑनेस्टली हर एक अपने आप से पॉज करके पूछे कि जब हमने एक घंटा पूजा की, उस एक घंटे में मन परमात्मा की याद से कितनी देर कनेक्टेड था? हार्डली एक घंटे में से 2-3 मिनट. yes. तो फिर कितनी देर पूजा हुई है? 60 मिनट्स में से 2 मिनट कनेक्टेड एंड 58 मिनट स्ट्रेस. मैं एक घंटा करता था तो उसमें से कभी दिए की बातें नहीं मिल रही है, पता नहीं स्टाफ भी उठा के यहाँ से ले जाते हैं, पता नहीं नीचे ले गए होंगे पूजा के लिए, मेरी यहाँ से माचिस उठा लिया, तेल ही नहीं भरा,
किधर किधर कहाँ से ध्यान मेरा शुरू होता था डिस्टर्बेंस मुझे कितना कितना फिर जाके पूजा खत्म होने तक समय बीत गया ना एक घंटा निकाला था डिप्लीटेड उठता था ना अब डिप्लीटेड उठते थे अब ये लाइन देखो पूजा से इंस्टेड ऑफ मस्ती में और शांति में जो मेडिटेशन में राजयोग में जो मस्ती आती है वो उसमें मैं थका हुआ मैं कितने लोगों पे चिढ़ता था फुल टाइम पे नहीं आए तो फुल कम आ गया आज ये पत्ता डालना भूल गया इसने कितना डिस्टर्बेंस हम बाहर सारी तैयारी कर ले लेकिन सब तैयारी होने के बाद जो हमारा वो समय हमने निकाला है चाहे वो आधा घंटा है एक घंटा है चाहे 10 मिनट है टाइम डज नॉट मैटर उस समय का हमने सदुपयोग कितना किया तो सब कुछ करके बाहर ये बिलीव सिस्टम को चेक कर लें कि कहाँ के परफेक्शन से मुझे आज रिजल्ट मिलने वाला है पूजा की सफलता किसको कहेंगे हम कहते हैं ना आज हमारी पूजा सफल हुई आज सब कुछ बहुत अच्छा हुआ तो वो हम अच्छा तब कहेंगे जब यहाँ की स्थिति अच्छी थी वो एक घंटा तब उसको सफल तब कहेंगे जब उस एक घंटे में मन परमात्मा की याद में लगा हुआ था ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया उसको सफल तब कहेंगे जब वो एक घंटे में हमने परमात्मा के प्यार और शक्ति को अपने अंदर भरा उसको सफल सिर्फ तब नहीं कहेंगे जब दिया फूल घी सब राइट था क्योंकि पूजा रिचुअल के लिए नहीं पूजा आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हो रही है यस रिचुअल्स क्यों बने होंगे अगर किसी को कहा जाए कि बैठ के भगवान को याद करो तो माइंड क्या होता होगा इधर उधर भागता होगा तो मन को एकाग्र करने के लिए और मन को सिर्फ उसी कार्य के साथ जुड़े रखने के लिए रिचुअल्स बने होंगे कि एटलीस्ट जितनी देर हम वो कर रहे हैं हमारा मन ऑफिस या कोई और प्रॉब्लम कहीं और नहीं जा रहा उस कार्य को करते हुए परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहेगा लेकिन दोज रिचुअल्स वो भी कनेक्टेड ही है ना उस पूजा को बिल्कुल कनेक्टेड है ना तो उसी कनेक्शन में आदमी का स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है ध्यान बटना भी कम होता है धीरे धीरे क्योंकि हर एक आदमी को कॉन्सेंट्रेट आप बोलेंगे नहीं होता ना ये कुछ घूर के देखते रहो आँख से देखूंगा दिमाग कहीं चलता रहेगा अच्छा तो हमारा मन बुद्धि परमात्मा पे कॉन्सेंट्रेट ऐसे साइलेंस में बैठ के नहीं हो रहा था तो हमने कुछ विधि अपनाई दिया जलाओ फूल चढ़ाओ घंटी बजाओ ये सब हम कर रहे थे प्यार और भावना से करना था राइट मतलब हर कर्म करते हुए याद किसकी होनी थी भगवान को चाहे वो दिया जला रहे थे चाहे वो फूल चढ़ा रहे थे तो अटेंशन फूल पर नहीं परमात्मा हाँ कनेक्शन वहां होना था कर्म यहाँ करना था मतलब हाथ यहाँ चलने थे मुख यहाँ बोलना था मन वहां कनेक्टेड होना था तो ये पॉइंट जो आपका था हाँ। सुंदर लग रहा है आप एक एपिसोड में बोल रहे थे कि अपने कर्म को धर्म को याद रखते हुए चलाना है राइट तो जो बिजनेस कर रहे थे बिजनेस हाथ से करना है लेकिन मन माइंड वहाँ रखना है कि राइट राइट सेम थिंग हाँ लेकिन अभी तो पूजा कर रहे हैं तो बट ऐसा ही यहाँ से सीखने को मिल रहा है सेम थिंग ना कि ध्यान वहाँ रखो ध्यान वहाँ रखो हाथ रखो अपने इस इंच फूल वूल में सब में मुख पूजा करेगा और जब चढ़ाओगे भी तो याद रखो कि ये परमात्मा को अर्पित तुझे पूजा में क्या अर्पित करना है परमात्मा को क्यों पूजा कर रहे हैं फूल सिर्फ अर्पित करके क्या होगा फूल इज सिंबॉलिक कि जब हम अर्पित कर रहे थे तो मन से हमें कुछ अर्पित करना था कुछ सरेंडर करना था कुछ निकाल कर वहां चढ़ाना था दिया जला रहे थे तो अंदर कुछ जलाना था ये सब सिंबॉलिक शुरू हुआ होगा लेकिन धीरे धीरे वो सिंबल का सिग्निफिकेंस भूलता गया और हम उसको बाहर करते गए और हमने कहा परमात्मा की याद का दिया परमात्मा को फूल अर्पित परमात्मा को भोग लगाना हम सब कुछ परमात्मा के लिए कर रहे हैं पूजा हमें परमात्मा के लिए नहीं करनी थी परमात्मा को नहीं चाहिए ये पूजा हमें करनी थी आत्मा को परमात्मा की शक्ति लेने के लिए अब एक हो सकता है हम साइलेंस में बैठे परमात्मा को याद करें वो नहीं हो सकता दूसरा हो रहा है कि हम ये सब कर रहे हैं ये करते हुए
परमात्मा की याद, तीसरी स्टेज पे हम पहुंचे कि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ ये करने में ही रह गया, अंदर से उसकी याद से शक्तियों से कनेक्टेड नहीं थे, वो तीसरी स्थिति। चौथी जो अब हम कभी कभी पहुंच जाते हैं कि ये सब करते हुए कहीं और याद, ये हो सकता है नहीं हो सकता कि हाथ से पूजा हो रही है, मन से कोई और बात याद आ रही है। पूजा के लिए तो खास समय निकाला है ना, इट इज़ लाइक फ़ोन किया आपको आपसे बात करने के लिए और फिर फ़ोन रखा है ऑन, है ना, ऑन भी है, आप हैं भी दूसरी साइड पे, लेकिन मैं यहाँ ही सबसे बात कर रहे हो और दूसरा जना वहाँ वेट कर रहा है कि इनकी सबसे बात पूरी हो जाए तो फिर ये मेरे से बात करेंगे, और दूसरा जना कुछ बोल भी रहा है तो सुन भी तो नहीं भी रहे। हम नहीं सुन रहे क्योंकि हम कनेक्ट किया लेकिन बात यहाँ से कर रहे हैं। उतने दिन में हमारी कॉल की ड्यूरेशन 15 मिनट्स थी क्योंकि हमारे पास 15 मिनट है पूजा करने के लिए रोज़ मॉर्निंग ऑफिस जाने से पहले, हमारे 15 मिनट पूरे हो गए, हमने फ़ोन को क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया, इनसे ही बात करते करते हम ऑफिस चले गए और फिर धीरे धीरे ये रोज़ होने लगा। तो अब वो रिचुअल पूजा के लिए नहीं, वो रिचुअल सिर्फ रिचुअल के लिए ही फिर रह गया। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि क्यों हमारी चार्जिंग नहीं हो रही थी। आज हमें सबको अपने आप से पूछना होगा क्योंकि हम सब परमात्मा को याद करते हैं, कोई रोज़ करते हैं, कोई हफ्ते के कोई स्पेसिफिक दिन करते हैं, कोई प्रॉब्लम आने पे करते हैं, कोई प्रॉब्लम पूरी होने पे करते हैं, हम याद करते हैं। लेकिन जितनी देर हम बैठते हैं उसको याद करने, हम गुरुद्वारे मंदिर चर्च में बैठे हैं, ऑनेस्टली अपने आप से आज पूछना होगा कि मन कहाँ कहाँ जाता है, मन कहाँ कहाँ जाता है, किस किस को याद करता है, और क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मैं आत्मा बैठी हूँ उसको याद करने के लिए और उससे कनेक्ट होने की बजाय मेरी कनेक्शन यहाँ किसी 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 से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर वो हो रहा है तो फिर वो समय बीत जाएगा और वो समय जिस पर्पस के लिए निकाला गया था वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। वो समय किस लिए निकाला गया था, हम तीर्थ पे गए किस लिए गए, इतनी दूर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर गए किस लिए गए, कुंभ में स्नान करने गए किस लिए गए, गंगा स्नान करने गए किस लिए गए, उसके पीछे का जो पर्पस था अगर वो नहीं हुआ तो फिर हमारा वो सारा करना सही बात, वो सिर्फ एक फील गुड फैक्टर रह जाएगा ना, अच्छा लगा करके, अच्छा लगा करके। लेकिन अच्छा तो बहुत कुछ करके लगता है, लेकिन बहुत कुछ बाहर करते हुए आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ती, लेकिन ये सब करते हुए आत्मा की शक्ति बढ़ सकती है अगर आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है। एक ऑप्शन ये है कि हम पूजा कर रहे हैं और फिर भी मन उससे कनेक्टेड नहीं है, और दूसरा ऑप्शन वो है कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी मन उससे कनेक्टेड है। फिर भी मन उससे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। विच मीन्स एक है कि हम उसके साथ योग लगाने बैठे हैं लेकिन फिर भी उसके साथ योग लगने की बजाय कहीं और कर्म याद आ रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन अंदर योग उसके साथ लगा हुआ है। मुख क्या कर रहा है, हाथ क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है, उससे डिसाइड होगा कि हमारा कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज दिन तक हमें ये भी क्लैरिटी नहीं थी कि परमात्मा को क्यों याद करना है, क्यों क्यों याद करना है, हमें सिर्फ कहा गया भगवान को याद करो, पूजा करो, प्रार्थना करो। मैंने तो क्यों करना बताई थी ना, क्यों करना चाहिए, करना चाहिए इसकी वजह से सक्सेस ये सी इवेंट स्पेसिफिक भी क्यों हुआ होगा, वो उसके पीछे भी इंटेंशन अच्छी है कि कम से कम साल में वो कुछ दिन आ जाए जब हम उसको याद करने के लिए विशेष टाइम निकालेंगे, क्योंकि सारा दिन में शायद हम इतने बिजी हैं कि टाइम नहीं निकाल रहे, तो फिर कुछ कुछ दिन निर्धारित हो गए। अच्छा, जिस दिन आपके घर जन्मदिन है आप पूजा रखो, जिस दिन आपका कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करते 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 साल में 8-10 बार ऐसे दिन आ जाते हैं
और ऐसे करते करते हम पूजा करते हैं, लेकिन अगर हमारा रोज उससे कनेक्शन जुड़ा हुआ हो, रोज शक्ति भरती रहे, तो फिर हमें इवेंट स्पेसिफिक नहीं करना होगा, हमें तो रोज करना है। फिर हमें रोज करना के दिन भी वो हो जाएगी, तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जब हम भगवान को याद करने बैठे हैं तो हमारा मन इधर उधर भटक रहा है। हमें ये भी नहीं पता है कि हमें भगवान को याद करना क्यों है। जिसको हम याद करेंगे, जिसको हम याद करेंगे, किसी को भी हम जिसको याद करेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी उसके साथ जुड़ जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी जिसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो उनकी मन की जो स्थिति होगी उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। कैसे? सपोज मैं आपको याद करूं, तो मेरे मन की फ्रीक्वेंसी कहाँ, एनर्जी कहाँ फोकस्ड है? वो आपकी तरफ फोकस्ड है। आपकी जो स्थिति होगी उस टाइम, वो कुछ वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है? और मेरी अटेंशन उस वाइब्रेशन पर फोकस्ड है, तो मैं उस वाइब्रेशन को कैच करना शुरू कर दूंगी। जैसे हमने कितनी बार देखा है कि किसी बच्चे को कुछ होता है, चाहे वो दूसरे शहर, चाहे वो दूसरे देश में है, और माँ को घर बैठे पता चल जाता है कि मेरा बच्चा परेशान है, मेरा बच्चा किसी प्रॉब्लम में है। वो कैसे होता है? जैसे उसको याद किया, जैसे याद किया, उसके साथ कनेक्शन हुआ, वो पेन में है। यहाँ इस आत्मा ने उस आत्मा को याद किया, वो आत्मा पेन में है, तो इस आत्मा ने वो पेन को क्या कर लिया, कैच कर लिया और कहा मेरा बच्चा दर्द में है। इसका मतलब याद करने से क्या हो जाएगा, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेंगे। जैसे टेलीविजन चैनल्स हैं, हर चैनल पे कुछ प्रोग्राम्स आ रहे हैं, दैट फ्रीक्वेंसी इज ऑल इन द एयर। ओके, नाउ यू आर सिटिंग इन योर हाउस, आपके सामने टीवी सेट है, सारे चैनल्स तो आपके टीवी सेट पे नहीं दिखाई देंगे एट अ टाइम, सिर्फ जिस नंबर को आप कनेक्ट होंगे। इसका मतलब जो नंबर आपने सिलेक्ट किया वो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। इंटरनेट पे सारा डेटा है, सब कुछ तो आपके कंप्यूटर पे नहीं डाउनलोड होगा, जो वेबसाइट पे आप जाएंगे उसका डेटा सारा आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह सृष्टि पर इतनी सारी आत्माएं हैं, हर आत्मा की फ्रीक्वेंसी रेडिएट हो रही है, सबकी फ्रीक्वेंसी आपके पास नहीं आएगी, लेकिन जिसको आप याद करेंगे उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी कनेक्शन हो जाएगा, उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब उनकी वाइब्रेशन आपके पास आएगी। इसका मतलब जिसको हम याद करेंगे उसकी स्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। कैसे स्थिति का प्रभाव पड़ सकता है कि कोई आदमी अगर सपोजिंग नेगेटिव स्थिति में है, उसको मैं याद करूं तो मुझे नेगेटिव स्थिति, आप कनेक्ट उससे हो गए ना, जैसे टीवी जैसे चैनल लगाए तो आएगा, आप उससे कनेक्ट हो गए हैं, वही प्रोग्रामिंग देखना पड़ेगा। यहाँ मैं भी हूँ, ये भी है, पांच लोग हैं, लेकिन आपने इस व्यक्ति को याद किया, तो आपकी फ्रीक्वेंसी किससे कनेक्टेड होगी उस क्षण? मेरे से नहीं होगी, जिसको याद किया उसकी फ्रीक्वेंसी उस क्षण याद करने, परमपिता परमात्मा को याद करने, दिस इज व्हाई। अब जितना हम आत्माओं को याद करेंगे, और वो भी ये कलयुग है, तो कलयुग में आत्माओं की स्थिति कैसी है? काफी दुखी है। हाँ, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई उदास है, कोई नाराज है, तो उनकी स्थिति हमारे यहाँ बहुत चलता है, वो भी होगा, तो वो यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। ओके, वहां कनेक्ट हो गए ना, इसीलिए हमें सिखाया जाता था सिर्फ एक उसको याद करो, सिर्फ एक उसके नाम का सिमरण करो, यही तो सिखाया ना, है ना? पहले जब मैंने सबसे पहली बार ये सुना, मैंने ये क्या है, सिर्फ उसको एक को क्यों याद करो, मेरे पास तो बहुत सारे और लोग हैं याद करने के लिए। व्हाट इज देयर हैज टू बी अ रीजन व्हाई गॉड इज सेइंग दिस, कि रिमेंबर ओनली मी, क्योंकि उसको याद करने में हमारा फायदा है। ओके, यहाँ से सिस्टर मैं जरूर अगले एपिसोड में पूछूंगा, यहाँ तो इतना टाइम नहीं है,
यहाँ से शायद वो आया होगा कि हर एक में भगवान देखो, मतलब उसको देख के भी तुम उसकी बॉडी कॉन्शियसनेस के बदले में आप उसको याद करो। तो यहाँ से भी अगेन जो चीज कन्फ्यूजन बिलीफ सिस्टम, यहाँ से जैसे लोग चलते चलते जैसे मीनिंग्स बदलते हैं, वेरी ट्रू। तो यहाँ भी वो याद, देखिए आप बात करते करते कहाँ से भी मुझे ये अब अगर हम परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा की स्थिति यहाँ डाउनलोड हो जाएगी, उसकी शक्तियाँ यहाँ डाउनलोड हो जाएंगी। किसी नाराज आत्मा को याद करेंगे तो उसकी शक्ति यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। तो इसीलिए सिर्फ उसको एक को याद करो, वो आज तक हमें सिखाते थे कि उसको याद करो, सारा दिन उसका नाम लो, ध्यान कहीं और ना जाए, क्योंकि जहाँ ध्यान जाएगा उसकी स्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाएगा, और अगर वहाँ ध्यान रहेगा तो उसकी स्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, और अगर सर्वशक्तिवान की स्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम आत्मा शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो अब हमें वो करना है कि कैसे उसको याद करना है और कैसे उसकी स्थिति को अपनी स्थिति बनाना शुरू करना है, बिकॉज देन आई द सोल will be that divine soul, because I'm connected to the ocean of divinity, ना तो फिर वो divinity तो हमारी अपनी बन ही जाएगी फिर उससे, इसीलिए उसको याद करना है। अब ये याद हम सारा दिन कर सकते हैं ना, फिर 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा क्यों, सारा दिन सब कुछ करते हुए मन उसको याद करेगा तो उसकी स्थिति हमारी स्थिति बनती जाएगी। फिर मेरा एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने क्लियर कर दिया कि मैं ये सोचता था कि हर एक में भगवान देखो, मतलब देखो आँखों से और उसके साथ कनेक्ट हो के अपना मतलब उसको क्या बोलते हैं जब फ्रीक्वेंसी को एक करके उसकी उसके प्रभाव में नहीं आ जाना है, मतलब बात उससे करो। हाँ, देखो किसको, देखो उसको। हाँ, और रिश्ता यहाँ निभाओ। हाँ, तो यही है, भले आप फिजिकली यहाँ कर रहे हैं लेकिन माइंड से उसको याद करो। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। व्हाइल वर्किंग और परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज वी ऑलवेज फोकस ऑन डूइंग एवरीथिंग करेक्ट आउटसाइड, आवर स्टेट ऑफ माइंड बीइंग परफेक्ट इज रेयरली आवर प्रायोरिटी। सिमिलरली, while performing our religious rituals, sometimes our focus is on external perfection rather than feeling perfect while we are doing it. Our intention for praying and performing rituals should be out of love for God, not for fear of God. Sometimes we perform rituals for success in our endeavors. Prayers and rituals are for increasing soul power. A powerful soul will achieve success in whatever they do. When we focus on accuracy of rituals, we believe that everything will be right and will be successful only if the ritual is accurate externally. We create stress and fear, and these two emotions reduce soul power. Accuracy is important, but most important is accuracy of state of mind. We feel pure and peaceful while praying and performing rituals, but we need to internalize the prayer and the meaning of the ritual so that we feel purity and peace always and radiate purity in our every thought, word and action. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999 559-660. Om Shanti.